कर रहे हैं, सर हम पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों का जवाब आ रहा है, मुझे पता है आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। तो हम लोग ने लास्ट क्लास में स्पेशल ट्रांजेक्शन को पढ़ना शुरू किया था। मैंने कहा था चार प्रकार की होती हैं ये स्पेशल ट्रांजेक्शन। एक हमने ख़त्म की थी अपनी पिछली क्लास में, अक्रूड इंटरेस्ट की। आज दूसरी के ऊपर हम चर्चा करेंगे, जिसको हम कहते हैं प्रीपेड। प्रीपेड वाली ट्रांजेक्शंस आज हम कवर करेंगे। प्रीपेड क्या होता है? ये प्रीपेड क्या होता है? ये प्रीपेड बड़ी सारी बच्चों के मन में दिक्कत रहती है, प्रीपेड है तो है क्या ये प्रीपेड? मुझे आप लोग एक बात बताओ, आपके इमेजिन करना है बात, आपके फादर मदर ने आपको पॉकेट मनी दी है हर महीने की, वो आपको पॉकेट मनी देते हैं, मान लो 10,000 रुपीज आपको पॉकेट मनी मिलती है। इस पॉकेट मनी से आपको अपनी ट्यूशन की फीस भी डिपॉजिट करनी पड़ती है, इसमें आपके अपने पर्सनल एक्सपेंस भी होते हैं, आपके जो आप क्लोज फ्लोज कपड़े वपड़े खरीदते हैं वो सब इसी के अंदर इंक्लूडेड है। मतलब आपके फादर आपको 10,000 दे के मुक्त हो जाते हैं, और इससे आपको अपनी फीस का खर्चा, अपना पर्सनल खर्चा और भी अन्य खर्चे इससे आपको करने पड़ते हैं। मान लो इस महीने की फीस तो आपने दे दी उस 10,000 में से, आपने इस महीने अपने ऊपर कोई खर्चा ही नहीं करा, अगले महीने की फीस भी आज ही दे दी। क्या अगले महीने की फीस जो आपने इस महीने दे दी है, क्या मुझे बात बताओ ये फीस आपने पहले नहीं दे दी है? अभी तक उन्होंने आपको क्या सर्विस दे दी है उस महीने की? नहीं। क्या मैं कह दूं ये आपने प्रीपेड आपने एक्सपेंस कर दिया, आपका भी एक्सपेंस जेन्युइनली हुआ नहीं था? क्या एक्सपेंस हो गया था? नहीं हुआ था। क्या टीचर ने पढ़ाया था? नहीं पढ़ाया था, लेकिन आपने उनको फीस दे दी। तो ऐसी ट्रांजेक्शंस को ही हम प्रीपेड ट्रांजेक्शन कहते हैं। अकाउंट्स में ऐसी ट्रांजेक्शन का हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं आज हमें देखना है। अकाउंट्स में अगर कोई चीज प्रीपेड हो जाती है, क्या बिजनेस में भी हम पैसा प्रीपेड करते हैं? बिल्कुल हम प्रीपेड करते हैं। कैसे करते हैं आओ देखें जरा, समझते हैं ना, समझते, समझने के लिए तो आए हैं सर, समझाओ ना हमें, आओ जरा देखते हैं। देखो बिजनेस में भी बड़े सारे ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो कि आप एडवांस में पे कर देते हो। मान लो आप जिस जगह पे काम कर रहे हो उस बिजनेस प्लेस का रेंट जाता है, जिस जगह पे आप बिजनेस कर रहे हो सकता है आपके फादर बिजनेस कर रहे हो सकता है उनकी अपनी भी जगह, हो सकता है वो किराए पे भी काम कर रहे हैं। लेकिन अगर वो किराए पे काम कर रहे हैं तो क्या हर महीने का किराया नहीं जाएगा? जुलाई का अलग किराया जाएगा, अगस्त का अलग किराया जाएगा, सितंबर का अलग किराया जाएगा। क्या जाएगा कि नहीं जाएगा? क्या हर महीने का अलग अलग किराया नहीं जाएगा? क्या हर महीने मालिक नहीं आएगा उस बिल्डिंग का और कहेगा लाओ भाई सब लाओ हमारा किराया हमें दो? बिल्कुल कहेगा। किससे कहेगा? बिजनेस ओनर से कहेगा। ध्यान से देखो, मान लो ये जो जुलाई है ना, जुलाई एक की बात कर रहा हूं मैं, जुलाई एक को बिजनेसमैन कौन सी मंथ का किराया भरेगा? पूरी जुलाई का। आपको पता है रेंट एडवांस में जाता है? हाँ हमें पता है सर, रेंट एडवांस में जाता है। मान लो जुलाई 1 में बिजनेसमैन ने रेंट भर दिया। ये रेंट कब से कब तक का होगा? ये रेंट होगा 31 जुलाई तक का। जो 1 जुलाई को वो बिजनेसमैन रेंट भरेगा वो कब तक का होगा? 31 जुलाई तक का। अच्छा मान लो वो जुलाई में ही उसका उस दिन मूड अच्छा होता है, उसने कहा लो भाई सब लैंडलॉर्ड वाले भाई सब लो जुलाई का भी रख लो और लो अगस्त का भी रख लो। क्या उसने
जुलाई में जुलाई का भी दे दिया और जुलाई में अगस्त का भी दे दिया। हाँ देखो तो सही, जुलाई में जुलाई का भी और जुलाई में अगस्त का भी। तो मुझे आप सब एक बात बताओ, क्या अगस्त का रेंट एक्सपेंस हो चुका था कि नहीं हुआ था? नहीं ना, अभी कहाँ हुआ वो एक्सपेंस। वो एक्सपेंस कब होगा? वो होगा जब अगस्त का महीना शुरू होगा। अगस्त का महीना शुरू होगा तब वो एक्सपेंस माना जाएगा, अभी वो एक्सपेंस नहीं है। और जब वो एक्सपेंस नहीं है तो जो हमने प्री पेड रेंट पे किया, क्या वो कैपिटल से माइनस होगा? नहीं होगा। क्या जुलाई का रेंट कैपिटल से माइनस होगा? हाँ, क्योंकि वो एक्सपेंस हो चुका है। प्री पेड कभी भी कैपिटल से माइनस नहीं होता, क्योंकि वो असल में कभी एक्सपेंस हुआ ही नहीं। वो एक्सपेंस जब डेफिनेटली एक्सपेंस हो जाएगा तब हम कैपिटल से माइनस करते हैं, अदरवाइज हम कैपिटल से माइनस नहीं करते। तो ट्रीटमेंट क्या होता है सर? अगर मान लो हमने कोई चीज प्री पेड में पे कर दी तो अकाउंट्स में हमें शो कैसे करना है? आओ देखें, अगर आपने कोई चीज प्री पेड पे कर दी, अभी पे नहीं करनी थी लेकिन आपने फिर भी कर दी, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? आओ देखो जरा उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। एक तो आपने जब पैसे पे कर दिए तो या तो आपका कैश चला गया होगा या आपने बैंक से पे करे होंगे। कैश और बैंक में से एक तो कम होना ही होना है, पक्की बात है। कैश कम होगा या बैंक कम होगा, एक तो कम हो जाएगा। आपने जो प्री पेड पार्ट पे किया है वो कैपिटल से तो माइनस हो नहीं सकता, कैपिटल से तो माइनस हो नहीं सकता। वाई, क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज अभी अभी वो एक्सपेंस की डेफिनेशन पूरी नहीं करता है, एक्सपेंस की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं करता है। वो अभी क्या है? प्री पेड है। जब एक्सपेंस होता है तब कैपिटल से माइनस करते हैं। तो ये प्री पेड हमारा क्या बन जाता है? ये हमारा एसेट बन जाता है। प्री पेड हमारा क्या है? एसेट है। मान लो अगले महीने आपका अगस्त का रेंट ड्यू होगा तो क्या आपको पे करना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि आपने वो ऑलरेडी पे कर दिया है। अब आप अगले महीने क्या करोगे? जो आपका प्री पेड रेंट का एसेट में कॉलम है उसको यूज करके उससे माइनस कर दोगे और कैपिटल से माइनस कर दोगे। प्री पेड एक्सपेंस वाले कॉलम में से माइनस कर दोगे और कैपिटल में से माइनस कर दोगे। आओ क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है रेंट पेड इन एडवांस। आपको याद है हमने पिछली ट्रांजेक्शन की थी, क्लास थ्री में की थी आई थिंक, कि गोडाउन बिजनेस एमएस धोनी ने गोडाउन रेंट पे ले रखा है और उस गोडाउन पे वो जो रेंट पे कर रहा है उन्होंने रेंट पे कर दिया। मान लो उन्होंने 5,000 रुपए एडवांस भी पे कर दिया रेंट का, मतलब प्री पेड कर दिया, अगले महीने का भी इसी महीने पे कर दिया। इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? आओ देखते हैं इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। एक तो आपका कैश चला गया, कितना? 5,000 रुपीज कैश में से माइनस कर दो, कैश में से लो माइनस कर देते हैं, माइनस 5,000। और एक प्रीपेड रेंट नाम का एक कॉलम खुल गया, देखो एसेट में हमने ऑलरेडी खोल रखा है, इसमें प्लस कर दो 5,000। कैपिटल से माइनस होगा? नहीं, क्योंकि अभी ये एक्सपेंस हुआ नहीं है। और मान लो फ्यूचर में जब महीना पूरा हो जाता है तो आपका एक्सपेंस आपको भरना पड़ेगा रेंट, तो आप कैश से तो भरोगे नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। फिर उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आप प्रीपेड रेंट में से माइनस कर दोगे और कैपिटल में से भी माइनस कर दोगे, क्योंकि अब ये एक्सपेंस हो गया। अब कैपिटल की डेफिनेशन में डिफाइन में पूरी करता है एक्सपेंस की। बात क्लियर है? तो ये हमने सीखा प्री पेड इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। इसके बाद के दो ट्रीटमेंट हम अब अपनी अगली क्लास में सीखेंगे। आप अपनी अगली क्लास देख सकते हैं, वो भी यूट्यूब पे अपलोडेड हो चुकी है। तो थैंक यू।